हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजेक्स एजुकेशन। हमारा टॉपिक है वो बहुत हद तक गैसों की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी जिसको आप विसरण के नाम से जानते हैं, डिफ्यूज़न के नाम से जानते हैं, उससे बहुत हद तक मिलती जुलती है। जैसे गैसों में क्या होता है कि उनमें जो गैस के आयंस होते हैं या गैसों में जो कण प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, सराउंडिंग के साथ मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं। वैसे ही विलयनों में एक खास गुणधर्म होता है जिसको हम परासरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? परासरण के नाम से जानते हैं, परासरण, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। अच्छा जी, अब ये बात है कि जैसे गैसों में क्या होता है कि अगर आपने स्प्रे किया तो स्प्रे से जो स्मेल होगी वो सराउंडिंग के साथ मिक्स हो जाती है। तो सराउंडिंग के साथ मिक्स होने का रीज़न क्या है कि जो गैस के कण हैं वो सराउंडिंग के कणों के साथ साम्यावस्था बनाने की कोशिश करते हैं और साम्यावस्था बना लेते हैं। ऐसे ही जैसे गैसों में जो विसरण है वही किसमें, विलयनों में वही क्या है, वही परासरण है। एक बात हुई कि जैसे गैसों में जो काम विसरण के द्वारा होता है विलयनों में सेम काम परासरण के द्वारा होता है। अब बात ये आती है कि ये परासरण है क्या? तो परासरण है एक तरीके का, ये एक क्या है, सतह प्रवाह है। किसका? विलयन के कणों का एक सतह प्रवाह है। अब कहेंगे प्रवाह कैसा? अब प्रवाह से एक बात समझिए कि जैसे पानी का फ्लो है तो पानी का फ्लो हायर से लोअर चलता है, मतलब जो है नीचे की ओर चलता है, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है। करंट का जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल की ओर चलता है। सेम वैसे ही जो विलयन होते हैं, तो विलयन में बेटा आपको पता है कि विलयन में क्या होता है, तो विलयन में होता है दो चीज, एक होता है विलायक और एक होता है क्या, विलेय। ये दो बातें हैं, एक होगा विलायक और एक होगा विलेय। अब विलायक के भी कण होंगे और विलेय के भी कण होंगे। अब विलेय जो है वो क्या दिखाता है, सांद्रता बताता है। तो अगर मान लीजिए आपका विलयन वो क्या है, उसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है, और एक विलयन दूसरा है जिसकी सांद्रता कम है, तो ये क्या करेगा, ऊपर जो हाई सांद्रता का विलयन है वो लोअर सांद्रता के विलयन की तरफ उसके कण मूव कर जाएंगे, और इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। परासरण क्या है, अब आप इसको थोड़ा डायग्राम से समझिए। हम जब भी कोई चीज डायग्राम से समझते हैं तो हमें ये ज्यादा क्लियर होता है कि वो एक्चुअल में हो कैसे रहा है, ठीक है ना। तो डायग्राम समझने के लिए आप ये समझिए कि अगर ये आपके पास मान लीजिए कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या लगा दिया, एक इसको बोलते बेटा अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। और यहां पे हमारा दो सोल्यूशन है, कौन कौन सा सोल्यूशन है, तो एक साइड में सोल्यूशन आपका ए है और दूसरी साइड में सोल्यूशन क्या है, वो आपका सोल्यूशन बी होगा। ये आपका सोल्यूशन ए है और दूसरी साइड में आपका सोल्यूशन ये क्या है, सोल्यूशन बी है। अब आपको पता है बेटा कि सोल्यूशन ए में क्या होंगे, सोल्यूशन ए के कण होंगे, ठीक है, ये सब सोल्यूशन ए के कण हैं। और सोल्यूशन बी में क्या होगा बेटा, तो सोल्यूशन बी में बी के कण होंगे, ठीक है, सोल्यूशन बी में बी के कण होंगे। अब ए के कण
बी की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए बी की तरफ जाएंगे, अर्ध झिल्ली को पार करते हुए बी की तरफ जाएंगे, और एक बी के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए ए की तरफ आएंगे, ठीक है। और ये तब तक प्रवाहित होते रहेंगे जब तक कि क्या नहीं आ जाएगी, साम्यावस्था नहीं आ जाएगी। क्या नहीं आ जाएगा? साम्यावस्था। और ये साम्यावस्था आएगा किस में? तो ये आएगा सांद्रता में, ठीक। हमारा ये जो है, ये मान लीजिए तनु विलयन है, ये तनु विलयन है, और ये क्या है? ये सांद्र विलयन है, ठीक। एक तनु विलयन है और एक सांद्र विलयन है। आप समझिए कि हमारे पास एक कंटेनर था और हमारे पास दो विलयन थे, विलयन ए और विलयन बी। हमारे पास दो विलयन है, कौन कौन से बेटा? विलयन ए और विलयन बी, ठीक। विलयन ए है और विलयन बी है। अब ये कह रहा है कि जो विलयन ए है, विलयन ए की जो सांद्रता है वो क्या होगी? वो सांद्रता जो है वो है कम, सांद्रता कम है। और बी की जो सांद्रता है, इसकी सांद्रता क्या है? इसकी सांद्रता है ज्यादा, ठीक। अब इनको अर्ध पारगम्य झिल्ली के मध्य में लगा करके अर्ध पारगम्य झिल्ली रख दी गई। अब इसमें क्या होगा कि एक एक कण स्वतः ही एक एक कण बी की तरफ और बी के कण ए की तरफ प्रवाहित होने लगेंगे। अब ये कण होंगे किसके? तो विलयन ए के, ठीक है, और विलयन बी के। विलयन ए के कण बी की, विलयन ए के कण बी की तरफ और बी के कण ए की तरफ क्या होंगे? प्रवाहित होने लगेंगे। और ये तब तक प्रवाहित होंगे जब तक कि दोनों तरफ की सांद्रताएं समान ना हो जाएं। अब सांद्रता समान हो जाएगी तो इनका प्रवाह क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और ये कैसा प्रवाह है बेटा? तो ये स्वतः प्रवाह है, स्वतः प्रवाह है, ये कोई फोर्सफुली प्रवाह नहीं है, ये एक स्वतः प्रवाह है। अर्थात जब हम दो ऐसे विलयनों को संपर्क में रखते हैं जिनमें एक की सांद्रता कम और दूसरी की सांद्रता ज्यादा हो, तो उनके कणों का आपस में क्या होता है? मिक्सिंग होती है, आपस में मिल करके वो एक साम्य की अवस्था, सांद्रता में साम्य की अवस्था बनाते हैं। और कणों के इस प्रकार के प्रवाह को, कणों के इस प्रवाह के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो बेसिकली परासरण क्या है कि उच्च सांद्रता के विलयनों के कणों का निम्न सांद्रता के विलयनों के कणों की तरफ प्रवाह करना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि जैसे किशमिश और पानी है, तो पानी, किशमिश को पानी में अगर रख दिया गया, रात भर के लिए भिगो दिया गया, तो सुबह देखा जाता है कि किशमिश फूल जाती है और पानी जो है वो उसमें कुछ मिठास उत्पन्न हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किशमिश के अंदर के कण पानी के साथ मिल गए और पानी किशमिश के साथ जाकर के मिल गया। तो अब इन दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही कणों में क्या हुआ? प्रवाह हुआ। और प्रवाह होने का मतलब क्या हुआ कि वो कैसा हुआ? कि उनमें परासरण हुआ, ठीक बात है। तो परासरण क्या है? कि परासरण है कि किसी विलयन के, किसी विलयन के, अब इसको अगर परिभाषा के रूप में लास्ट में लिखिए तो किसी, किसी विलयन के कणों का, कणों का अर्ध पारगम झिल्ली को, झिल्ली को स्वतः पार करके, स्वतः पार करके, स्वतः पार करके सांद्रता की साम्यावस्था, सांद्रता की साम्यावस्था दूसरे विलयन के साथ बनाने को, दूसरे विलयन के साथ बनाने को
बनाने को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। परासरण कहते हैं। ये बात है। तो मतलब क्या है? अब यहां पे एक बार डिफिनेशन से आप समझ लीजिए कि किसी विलयन के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली को स्वतः पार करके की साम्यावस्था दूसरे विलयन के साथ बनाने को परासरण कहते हैं। परासरण क्या है? किसी विलयन के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली को स्वतः पार करके सांद्रता की साम्यावस्था दूसरे विलयन के साथ बनाने को परासरण कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली थी, विलयन ए था, विलयन बी था, दोनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के मध्य में रख दिया गया। एक कण बी की तरफ, बी के कण ए की तरफ आए और सांद्रता की साम्यावस्था बना ली। और सांद्रता की साम्यावस्था बनाने को ही हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। यानी विलयन के कणों का स्वतः प्रवाह। एक अगर कोई पूछे कि परासरण को एक शब्द में बताइए, तो ये आप एक शब्द में बताएंगे, विलयन के कणों का स्वतः प्रवाह। अर्धपारगम्य झिल्ली की तरफ विलयन के कणों का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक, तो आई होप कि आप सबको परासरण समझ में आया होगा। और मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, किसी अगले इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।